प्रणाम दोस्तों, मैं आरुई आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। लेके आई हूँ बहुत ही डिवाइन एनर्जी से भरी हुई चैनल मैसेजेस आप सभी के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी एनर्जी को लेकर के। तो मैं पहले बात करना चाहूँगी डिवाइन फैमिलिन को लेकर के। तो डिवाइन फैमिलिन, आप इतनी हायर एनर्जी को क्रिएट की है, इतनी हायर एनर्जी को आपने रिसीव किया है या डाउनलोडिंग पे आपने अपना क्रिएशन क्रिएट किया है। लाइक जैसे बैलेंस में रहना, पीसफुली रहना, थॉटलेस फील करना एंड जो मोमेंट में है उस मोमेंट में एक्सेप्टेंस में रहना। तो जिसके चलते हुए यहाँ पे डिवाइन की एनर्जी ने टोटल चेंजेस ला दिया है, यानी कि आप सबकी लाइफ में अब एक तरह से डिवाइन इन्फिनाइटी लव की एनर्जी को आप फील कर पाएंगे। अब तक आप डीएम और डीएफ की एनर्जीज के लव को समझ रहे थे, यानी कि यहाँ पे हमारी जो हायर डायमेंशनल एनर्जी में रहने वाली जो सोल फैमिली है या हमारी डिवाइन फैमिली है, आई मीन फैमिलिन है, वो फैमिलिन ने एक अनंत प्रवाह को छेड़ दिया है, इन्फिनाइटी सिस्टम में जाके टैप इन कर लिया है। तो इस वजह से आप उस इन्फिनाइटी कनेक्शन में जा कर के आपने एक ऐसी अद्भुत ऊर्जा को क्लेम करना शुरू कर दिया है, रिसीव करना शुरू कर दिया है, कि जिसके चलते हुए आप अपने अनुभवों में, अपने लाइफ की आगे की चीज़ों में उसको फील करना शुरू करेंगे। अभी समथिंग कुछ डिवाइन फैमिलिन जो है फील करेंगी अपनी अपनी लाइफ में, कि एक अंदर से होता है ना कि आई डोंट नो मैं उसे कैसे एक्सप्लेन करूं, जैसे आप अंदर से बहुत खुश हैं और आपका दिल कर रहा है कि आप नाचें, गाएं, झूमें, और मतलब आप इतना इनफिनाइट हो जाएं, इतना फैल जाएं कि हर चीज़, जैसे कि एक होता है ना, हम बाएं फैला के आसमान के नीचे नाचते हैं, गाते हैं, ऐसा होता है ना कि जैसे हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो वो ही प्रभाव को हमारी फैमिली अट्रैक्ट कर रही है, यानी कि प्यार की बारिश, इन्फिनाइटी, अनंत अनंत प्रेम जिसका कोई अंत नहीं है, उस प्रेम की एनर्जीज को हमारी फैमिली रिसीव कर रही है। और उस बारिश में, वो प्यार की बारिश सबके लिए आ रही है, और उस बारिश में जितना आप भीग सकते हैं भीग लीजिए, क्योंकि ये प्रेम, ये प्यार की बारिश आपके जीवन को हर उस आयाम को ओपन करके जाएगी, हर एक चैप्टर को समझा के जाएगी, एंड आपके और डिवाइन के बीच के जो सेतु हैं, उस सेतु में जो भी ब्लॉकेजेस थे या जो भी कुछ अनसुलझे रहस्य थे, वो उन सबको सुलझाएगी। क्योंकि अब यहाँ पे डिवाइन फैमिलिन और डिवाइन मैस्कुलिन एक इन्फिनाइटी लव की एनर्जीज को समझने वाले हैं, यानी कि अब आपको अपने अपने लेवल पे समझ में आएगा कि जो प्रेम है, वो जो प्यार है, वो अनंत जन्मों से चलता आ रहा है, और प्रेम ही ईश्वर का रूप है। ये आप पहले से भी जानते हैं, लेकिन आपने ये सुना था, आपने इसको पढ़ा था, लेकिन जाना नहीं था, इसको जी के फील नहीं किया था, इसको एक्सपीरियंसेस नहीं किया था। अब आप उसको एक्सपीरियंस करेंगे, यानी कि मैं कम शब्दों में बोलना चाहूँ ना, तो यूनिवर्स खुद आपके अंदर उतर रहा है एक प्रेम के रूप में, एक इन्फिनाइटी वारिस के रूप में, जो आपके थ्रू पूरी अर्थ पे बहना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर से वो प्रेम की फुलक, वो प्रेम की बारिशें सबके लिए प्रोवाइड होंगी, सबको भिगो देने वाली होंगी, क्योंकि यहाँ पे हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा उत्सव की तरफ जा रही है। उत्सव इन द सेंस कि आप अपने आप में मगन हो रही हैं, अपने आप में नाच रही हैं, अपने आप में गा रही हैं, कभी कभी आप रो भी रही हैं, लेकिन उस याद में, डिवाइन की याद में, भले ही अभी आप मैस्कुलिन को लेकर के सोच रही हैं, लेकिन जो यहाँ पे मैस्कुलिन को लेकर के सोच रही हैं और मैस्कुलिन की वजह से अपने आप को हर्ट कर रही हैं, या फिर उनकी वजह से
हर्ट हो रही हैं या उनका वेटिंग में है, तो आपके लिए ये फुल मून बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करने वाला है, क्योंकि अभी भी आपने जो है लेसन नहीं सीखा है। तो यहाँ पे आपको लेसन सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आप सीखेंगे भी अगर आप इस एनर्जी में हैं। अगर मैं कहूँ ना, तो एनर्जी आपके चुटकियों में चेंज कर सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे हमारी कुछ पावरफुल सोल फैमिली या सोल मेंबर्स ने, या फिर प्यारी सी फैमिली ने मतलब बहुत सारी फैमिली की बात कर रही हूँ मैं, किसी एक के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी एनर्जी उसको कंज्यूम किया है, और जिसके चलते हुए वो एक ब्राट एनर्जी चारों तरफ फैलना शुरू हो रही है। डज नॉट मैटर कि आप क्या उस चीज़ को फील कर रहे हो, क्योंकि अगर आपका ध्यान, सिर्फ मैंने कहा ना अभी किसी किसी वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि अगर आप सिर्फ कमियों की तरफ ध्यान देंगे तो आपके जीवन में कुछ अच्छा गुजर भी जाएगा ना, तो भी आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप सोए हुए हैं, आप जागे हुए नहीं हैं, आप होश में नहीं हैं, आप बेहोशी में सारे काम कर रहे हैं, बेहोशी में ही आप रिलेशनशिप को निभा रहे हैं, बेहोशी में ही उसके लिए वर्क कर रहे हैं। तो अगर जब तक आप होश में नहीं हैं या जागे हुए नहीं हैं, तब तक उस इन्फिनाइटी ऊर्जा को महसूस नहीं कर पाएंगे। अगर आप इस समय, जो कि कुछ फैमिली थोड़ी सी डिस्ट्रॉय वाली एनर्जी को फील कर रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप गलत कर रही हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं कोई भूल कर रही हैं। उस भूल को सुधारिए, उस चीज़ को समझिए अपने डीप लेवल पे, क्योंकि जो एक डीप लेवल पे आपको बिरहा महसूस हो रही है कुछ फामनिन को, जो बिरहा का मतलब होता है ना, जैसे क्या कहते हैं बिरहा को, क्या कहते हैं आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है अभी, जैसे कि डिटैचमेंट को फील कर पा रही है ना एक अंदर से बिरहा, मतलब कि दुख जो जो आपकी आत्मा को हिला रहा है, जो आपकी आत्मा को तोड़ रहा है, वो दुख जो आप महसूस कर रही है ना, वो इसलिए कर रही है क्योंकि आपकी जो सोल है वो इस इन्फिनाइटी की बारिश में भीगना चाहती है, लेकिन आपके चलते हुए, क्योंकि आपका ध्यान, आपका माइंड किसी एक पर्सन पे है, किसी एक चीज़ पे है, किसी एक कंडीशन पे स्टक होके रखा है, जिस वजह से आपकी सोल जो है ना एक एक हैवी पर्जिंग को फील कर रही है, एक हैवी बिरहा को महसूस कर रही है। उसको लग रहा है जैसे क्या अंदर कुछ हो गया है, क्या कुछ अंदर घट गया है, ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन जो सोल आपको कहना चाह रही है, जो सोल आपको बताना चाह रही है, वो आप समझ नहीं पा रहे हैं। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय एनर्जी को महसूस कर रहे हैं, एंड इस बिरहा को, एंड आपके दिल को तोड़ देने वाली, आपकी आत्मा को हिला देने वाली एनर्जी को आप महसूस कर रहे हैं। इसलिए आपको क्या करना है, अपनी आत्मा की वॉइस को सुनना है, जो कि मैंने अभी कहा इन्फिनाइटी लव की एनर्जी फैली हुई है चारों तरफ, बहुत प्यारी एनर्जी है। मुझे बताते टाइम ना मुझे गूस मुंह मेरे को बहुत अजीब हो लाइक ऐसा हो रहा है कि जैसे अभी मैं आपके सामने होती ना, तो मैं आपके सामने नाचना और गाना शुरू करती, और मैं आपको बोलती चलो छोड़ो टेंशन, अभी मस्ती करना है, अभी हमको इस इन्फिनाइटी लव में जाना है, अभी सब कुछ छोड़ दो टेंशन वेंशन, अभी इस प्यारे की एनर्जी, प्यारा यानी डिवाइन, डिवाइन की एनर्जी में हमें मग्न होना है, लाइक एक मीरा की तरह, कि छोड़ो दुनियादारी, फिलहाल हमें अपने अपने प्यारे को मनाना है, जो प्यारा हमसे जन्मों से रूठा है, पहले हमें उसको मनाना है, प्यारा यानी अपनी सोल, अपना डिवाइन जो हमारे ऑलरेडी अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। तो उसको जब हम समझने के लेवल पे आएंगे, तब हमको पता चलेगा। देखो अभी मैं ना इतना खुश हो गई कि मैं चैनलिंग करते करते कहाँ खो गई। तो उस चीज़ को समझना होगा, तो उस बिरहा में मत जाइए, वो बिरहा जो आप फील कर रहे हैं, वो उसमें भी एक मज़ा है, उसमें भी एक मिठास है, लेकिन बस उस मिठास को पकड़ना शुरू कीजिए। आप कमियों को देखते हैं, आप सिर्फ वहाँ ध्यान लगाते हैं जहाँ कमियाँ होती हैं, आप वहाँ ध्यान नहीं लगाते जो ऑलरेडी आप धनी होते हैं, या ऑलरेडी आप सम्राट होते हैं, या ऑलरेडी एक क्वीन होती हैं, उस जगह आप ध्यान नहीं लगाते हैं। तो यही आपका वीक पॉइंट है, इस वीक पॉइंट को नोट करो, कहाँ पे आप गलती कर रही है, कहाँ पे आप कहाँ पे मतलब आप कहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ आप गलत एनर्जी लगा रहे हो, जिसकी वजह से सारा आउटकम जो आ रहा है वो एक डिप्रेशन टाइप्स का, एंजाइटी टाइप्स का, पर्जिंग टाइप्स का लेके आ रहा है। क्योंकि जब अगर आपको ये समझ में आ जाता है ना,
अगर आप सोल लेवल की एनर्जी को समझते हैं ना, तो फिर तो रोना भी क्या, हंसना भी क्या, फिर सब कुछ एक हो जाता है। एक होता है ना कि कभी कभी नाचते नाचते भी रोते हैं, या रोते रोते भी हंसते हैं। हंसा हंसे हो कभी आप? मैं ऐसा बहुत हंसी हूँ, जब मुझे हंसती हूँ तो मुझे आंसू आते हैं। मैं कभी भी अगर जोर से दिल खोल के हंसी हूँ ना, मुझे आंसू आना शुरू हो जाता है। तो मैं हंसना और रोना दोनों एक साथ करती हूँ, ठीक है? तो बहुतों के साथ ऐसा होता होगा, ऐसा जरूरी नहीं कि मेरे ही साथ हो जाए। बहुतों के साथ ऐसा होगा कि हंसते हंसते रोना आ जाता होगा, हंसते हंसते आंसू आते होंगे। तो हमको क्या समझ में आता है, वो चीज़ समझ में आ रही है। मैं आपको ये अनुभव इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इस फीलिंग कर पाएं इस एनर्जी को, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर डिवाइन लव की एनर्जी है, अनकंडीशनल लव की एनर्जी है। ये बारिश शुरू हो चुकी है, मैं उस बारिश की बात नहीं कर रही हूँ, हालांकि वो वाली वाली बारिश की बात नहीं कर रही हूँ, मैं लव की बारिश की बात कर रही हूँ, जो हर एक चेतना को जगा रही है, हर एक सोल को एक्टिवेट कर रही है, हर सोल को जागृत कर रही है, सोल के अंदर बैठे हुए डिवाइन को एक्टिवेट कर रही है। डिवाइन का जो वो है, वो क्या है, सिंबल या डिवाइन की जो एक कह सकते हैं कि डिवाइन तक पहुंचने की जो एक छोटी सी की है, वो क्या है? वो है लव, अनकंडीशनल लव। तो वो अनकंडीशनल लव की एनर्जी जो है वो यहाँ पे शुरू हो चुकी है। और ये शुरू होने पे इस बार आप डिवाइन के बड़े पोर्टल को या डिवाइन के दरवाजे को ओपन कर लेंगे, लेकिन तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक इस चाबी के रहस्य को नहीं समझेंगे, इस अनकंडीशनल वेव को नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पे अनकंडीशनल वेव है, अनकंडीशनल एनर्जी है। इसमें अगर आप खुद को क्रिएट नहीं करेंगे, खुद के साथ में अलाइनमेंट में नहीं आएंगे, खुद इसके साथ में सपोर्टेबल नहीं रहेंगे, इसके साथ झूमेंगे नहीं, नाचेंगे नहीं, गाएंगे नहीं, हंसेंगे नहीं, रोएंगे नहीं, तो ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी, आपको वो चाबी नहीं मिल पाएगी। यानी कि आप उसके हकदार नहीं हैं, बिकॉज आप अच्छी अच्छी चीज़ों की तरफ ध्यान दे रहे हैं या बुरी बुरी चीज़ों की तरफ ध्यान दे रहे हैं, आप उन चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो बैलेंस कहाँ से आएगा? बैलेंस आएगा आपके अंदर से, आपके अंदर स्वीकार भाव से, आपके अंदर एक्सेप्टेंस से। तो आपको एक्सेप्टेंस में रहना है। लेकिन जो सबसे बड़ी गलती हमारी डिवाइन फैमिलीन करती है या डिवाइन मैस्कुलिन करते हैं, मैस्कुलिन इतना नहीं करते हैं, मैस्कुलिन थोड़ा सा इग्नोरेंस में ज़्यादा रहते हैं, चीज़ों को इतना हाइपरली नहीं लेके जाते हैं, लेकिन हमारी फैमिलिन बहुत सारी चीज़ों को ना क्रिएट कर लेती है अपने आप से। जैसे कि कोई भी चीज़ दिखी, बहुत सारे इल्यूजन्स क्रिएट कर लेती है, हर चीज़ को वो मैस्कुलिन से जोड़ के रखती हैं। अगर आपको कोई अंदर से एक हाई वाइब्रेशन फील हो रहा है, तो आपको लगता है कि डिवाइन मैस्कुलिन आपको मिसिंग एनर्जी भेज रहे हैं, या डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है। या आपके अंदर थोड़ा सा दुख आता है या रोना फील होता है, तो आपको लगता है कि डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी हम फील कर रहे हैं। नहीं, ये चीज़ आपको अपने लेवल पे समझनी होगी, क्योंकि आप जब आप अशेंशन की जर्नी से गुजर रहे हैं, आप जब अपना इनर वर्क कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आपके अंदर होने वाली हर एनर्जीज में बदलाव का कारण आप खुद होंगे। अफकोर्स कभी कभी आप फील करते हैं, बट हर चीज़ को आप डिवाइन मैस्कुलिन से जोड़ के रखेंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे। यानी कि आपके जीवन में शुभ जो घट रहा होगा या अच्छा एक्सपीरियंस भी जो घट रहा होगा ना, आप उसको भी डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर छोड़ के उसको भी इग्नोर कर दोगे, यानी उसको भी जी नहीं पाओगे, उसको भी छोड़ना शुरू कर दोगे। तो कैसे समझ में आएगा कि ये डिवाइन मैस्कुलिन का नहीं है या फैमिलिन का नहीं है? उसके लिए ये है कि अगर आप इस समय डिटैच फील कर रहे हैं या अंदर से खोया हुआ फील कर रहे हैं, तो समथिंग आपकी सोल आपसे कुछ कहना चाहती है, सोल आपकी नाचना चाहती है, उत्सव में जाना चाहती है, लेकिन आप रुके हुए हैं। किस लिए? क्योंकि आपका डिवाइन मैस्कुलिन आपके पास नहीं है, आपका प्यार आपके पास नहीं है, इसलिए आपने अपने आप को क्या कर लिया, समेट लिया है, सुकेड़ लिया है, और इसी वजह से आपकी सोल ओपन नहीं हो पा रही, और सोल आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रही, और इसी वजह से आपकी डाउनलोडिंग एंड चैनलिंग का रास्ता ओपन नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि आप डिपेंडेड एनर्जी में है। तो इस डिपेंडेड एनर्जी से बाहर आइए, इस इन्फिनाइटी लव के साथ में अपने आप को भीगने का मौका दीजिए, इस परमात्मा के इस यूनिवर्सल एनर्जी की जो हायर एनर्जी है उसमें खुद को सरेंडर कर दीजिए। नाचिए, गाइए, झूमिए, नेचर में जाइए, जो दिल करता है वो कीजिए।
एक तरह से मस्त मौला वाली एनर्जी में आ जाइए। और जैसे ही आप इस मौला वाली एनर्जी में आएंगे, आप इस इनफिनिटी लव के मालिक बनेंगे। मालिक इन द सेंस कि आपके अंदर इतना लव का एनर्जी प्रवाह बढ़ना शुरू हो जाएगा कि आपके थ्रू, आपके श्वासें, आपका चलना, आपका बैठना, आपका सोचना, आपका खाना, आपका पीना, सब तरह से सिर्फ और सिर्फ इन्फिनाइटी लव, अनकंडीशनल लव की वेव्स बहना शुरू हो जाएंगी। यानी कि आप एक खाली तालाब हैं और उसमें परमात्मा की एनर्जी भर दी गई है, या उसको पानी से भर दिया गया है। तो उस समुद्र से, या तालाब कह लो, मैं एक सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो वहाँ से हम रास्ते बना के हम चारों तरफ पानी दे सकते हैं, लोगों तक पहुँचा सकते हैं, सप्लाई हो सकती है ना। इसी तरह आप भी लोगों तक, लोगों को हील कर सकते हैं, लोगों तक वो वाइब्रेशन पहुंचा सकते हैं, लोगों के अंदर बैठी चेतना को डेवलप कर सकते हैं, उनकी लाइट को स्पार्क कर सकते हैं, उनको लाइट के प्रति अवेयर कर सकते हैं और उनके जीवन में हैप्पीनेस लेके आ सकते हैं। अब यहाँ पे ये मत बोलिएगा कि मैम हम लोगों से नहीं मिलेंगे, हम लोगों से मिलेंगे तो हम क्या बोलते हैं उसको, लो फील करेंगे या बैलेंस में रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। अनकंडीशनल का मतलब है, आपका मतलब ये है कि इन्फिनाइटी लव, जो कि सबका समूह है, सबसे जुड़ी हुई ऊर्जा है और सबकी जुड़ी हुई एनर्जी के सोर्स से आप जुड़ रहे हैं, तो आप सबको ही प्यार करिए, सबको प्यार दीजिए, सबसे रेस्पेक्ट में रहिए और सबसे ज़्यादा खुद की रेस्पेक्ट कीजिए, खुद के अंदर बैठी सोल की रेस्पेक्ट कीजिए, उसको नमन कीजिए, उसका चरण स्पर्श कीजिए एंड अपनी हाई वाइब्रेशन को फैलने का मौका दीजिए। तो मैं यही कहूँगी, अच्छा सा साउंड लगाइए, गाना सुनिए, नाचिए, जो दिल में आता है वो कीजिए, लेकिन इस इन्फिनाइटी लव में खुद को इन्फिनाइट कर दीजिए, खुद को भी इस लूप में जाने दीजिए जो कि इन्फिनाइटी लव का है। तो इन्फिनाइटी का मतलब क्या होता है? अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। कहाँ से तुम आ रहे हो ये भी तुमको नहीं पता है, कब से आ रहे हो ये भी तुमको नहीं पता है, कहाँ जाना है ये भी नहीं पता है, क्यों जाना है ये भी नहीं पता है। जब कुछ नहीं पता है ना, तो सरेंडर कर दीजिए और इस इन्फिनाइटी लव में बहने दीजिए खुद को। आई डोंट नो, मैं बहुत भावुक हो रही हूँ बिकॉज अंदर से बहुत लव फील हो रहा है। और इस लव की एनर्जी को फील कीजिए अपने अपनी सोल के साथ। यहाँ पे किसी इंसान को, किसी एनर्जीज को मत देखिए कि मतलब किसी को लेकर के मतलब फील मत कीजिए, डिपेंडेंट मत जाइए, क्योंकि आप देख रहे हैं फिजिकल फॉर्म को, हमें देखना है इंटरनल फॉर्म को। तो जब हम अपनी ही इंटरनल एनर्जी को नहीं समझ पा रहे हैं, अपने इंटरनल लव को नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम डिवाइन मैस्कुलिन के इंटरनल लव को कैसे समझ पाएंगे? तभी तो हमारा सेपरेशन हो जाता है, बिकॉज हम उसके बातों को, हम उसके उन चीज़ों को ही ध्यान रखते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या है उसको हम नहीं पढ़ पाते हैं, और यही रीज़न होता है सेपरेशन होने का। तो आपकी डीप लैंडिंग अब शुरू हो चुकी है। फाइनली हमारी फैमिली बहुत अच्छी अचीवमेंट की तरफ चल रही है। ये फुल मून बहुत बेस्ट रहने वाला है, तो इस पावरफुल एनर्जी में उत्सव कीजिए। और लाइक जैसे वो गाना मुझे अभी याद आ रहा है, लाइक वो भी शायद फुल मून का ही है, राधा कृष्ण का शायद गाना है, प्रेम की लगन लगी, प्रेम की हो जब लय, मिलने से ना रोके नियति, ना रोक पाए समय, प्रेम बसे जिस तन मन, प्रेम ही भरा हो जीवन, कुछ ऐसे करके है। सभी इस गाने को जरूर सुनिएगा और इसको सुनकर नाचिएगा, जरूर डांस कीजिएगा, क्योंकि ये आपको नाचने पे जरूर मजबूर करेगा, इतना मैं आपको कह सकती हूँ। तो इस गाने को जरूर सुनिएगा। आई थिंक ये चैनल सॉन्ग हो सकता है, क्योंकि अभी जस्ट मुझे बोलते बोलते वो आपको एक एग्जाम्पल में सुना रही थी, लेकिन आप सुनिएगा जरूर इस गाने को और अपनी एनर्जी को हाई कर लीजिएगा, ठीक है? अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और इसमें खुद को भीगने का मौका दीजिए, सरेंडर कर दीजिए हर कंडीशन को, और आप सिर्फ और सिर्फ डिवाइन को खुद को समर्पित करके आगे आगे मतलब रिलैक्स रहिए और इस
प्यार भरी एनर्जी को, इस प्यार की बारिश को खुद पे पड़ने दीजिए, अपनी आत्मा को साफ होने दीजिए, अपने हर चीज़ को साफ होने दीजिए, अपने चक्रास, अपनी सोल, अपने डीएनए, अपने मरकवा, अपना ऑरा, हर कुछ चीज़ आपका क्लीन हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, स्वीकार भाव में, एक्सेप्टेंस में आना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, डिपेंडेड एनर्जी क्रिएट नहीं करनी है, आउटकम के बारे में नहीं सोचना है, बस रिलैक्स होकर के अभी जहाँ है, जिस घड़ी में है, उसमें आके बंद करके बस अपने आप को समर्पित कर दीजिए। तो ये है आप लोगों के लिए चैनल मैसेज, आई होप आपको रेजोनेट हुआ है। कल मेरे से एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई थी, पता नहीं कैसे हुआ, आई डोंट नो, बट मैंने सोचा कि डिवाइन की जो मर्जी, मैंने उसको इसी तरह से, फिर मैंने उसको डिलीट भी नहीं किया, क्योंकि कल ना, मतलब परसों वाला वीडियो, जबकि मैंने दूसरा क्रिएट किया था, लेकिन ऑडियो उसमें कनेक्ट हो गई और मुझे पता भी नहीं चला, ठीक है, और मैंने वो डाल दिया, और जब आपके कमेंट्स आए तो मुझे पता चला हाय ये क्या हो गया। तो मैंने सोचा चलो छोड़ो, किसी को, क्योंकि वो बहुत लोगों को, वो भी, वो लोग जो सुन रहे थे, बहुत रेजोनेट हो रहा था, कुछ ऐसी सोल थी जो अट्रैक्ट हुई थी उस पर आके, उनको बहुत वो रेजोनेट हुआ, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं वो उनके लिए हुआ, जो भी हुआ उनके लिए हुआ, कहीं ना कहीं वो उस फॉर्म में आ पाई, या उस सेंटेंस को पढ़ के जो मैंने डाला था थंबनेल में, उसकी वजह से वो अट्रैक्ट हो पाई, तो कहीं ना कहीं डिवाइन का लोचा है, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, मुझे माफ़ कीजिए, ठीक है, गलती से, हाँ मतलब मुझे नहीं पता कैसे क्या हुआ, तो वो एक बड़ी गलती हुई थी, तो मैंने कोई सी वीडियो डिलीट नहीं की है, जिसको जो सुननी है वो सुन लेना, बाकी मैंने नेक्स्ट वीडियो मैंने डाल चुकी हूँ, वो आप सुन लीजिएगा कल की, और हाँ यही मुझे कहना था। हाँ एक एक इम्पॉर्टेंट बात और मुझे बतानी है कि प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, लेकिन एज ए मैं आपको गाइड कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपको अपना समझ रही हूँ, इसलिए अगर आप 16 ईयर, 19 ईयर, 20, 21, 22 की समथिंग की एज के हैं, प्लीज़ इस सबसे दूर रहिए अभी, क्योंकि आपका कैरियर आपका वेट कर रहा है। प्लीज़ अपने कैरियर पे फोकस कीजिए, क्योंकि इतनी अर्ली एनर्जी में आपको डीएम नहीं मिलेगा और ना ही डीएम से आप कनेक्शन में आएंगे, ये सारी चीज़ें कार्मिक पर्सन होंगे, कार्मिक अट्रैक्शन होगा जो आपको डैमेज करेगा, एंड आपको डिस्ट्रॉय करने के बाद फिर आपको बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करवाएगा। तो आपको फिलहाल किस चीज़ पर फोकस करना है, सबसे ज़्यादा आपके लिए अभी रिसेंटली ज़रूरी है ग्रोथ, अपनी पर्सनल लाइफ में ग्रोथ कीजिए, अपने जॉब करियर की तरफ ध्यान दीजिए, स्टडी की तरफ ध्यान दीजिए, अभी इन सब चीज़ों में मत जाइए, ठीक है। क्योंकि एक लड़की, नाम नहीं लूँगी, एक लड़की ने मुझे बोला, वो उसने कॉल भी किया, मैसेज भी किया, चार्जेस भी पूछे, वो बुक भी करना चाह रही थी, लेकिन मैंने मना कर दिया कि मैं आपको गाइडेंस नहीं दूंगी, क्योंकि ये सही नहीं है, अभी आपकी उम्र है आगे बढ़ने की, अपनी स्टडी पे फोकस करने की, इन चीज़ों में जाने की नहीं है। अगर आप यहां मुझे वो सुन रही है, आपसे प्लीज़ मैं यही कहूंगी, किसी से भी मत लीजिएगा, क्योंकि आप अभी उस फॉर्म में नहीं है कि आप ये सब करें, आपको अभी अपनी पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान देना है, अपनी हायर पोटेंशियल को क्रिएट करना है, क्योंकि एंड आप इसी चीज पे आएंगी, जब आप ये टाइम का गवा देंगी ना, तब आप इसी चीज पे आएंगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका होगा, फिर आपके अंदर बिन पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा, तो प्लीज पछताने की एनर्जी में मत जाइए, अभी इसी बात को समझिए, पहले कैरियर बनाइए, पहले ग्रोथ में जाइए, उसके बाद अपने पर्सन को ढूंढिए, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अगर बुरा लगा हो ना तो दिल से माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैंने जो कहा सच कहा, उसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और इस प्यार की एनर्जी में नाचिए, गाइए, झूमिए, ठीक है, बाय बाय।